दोस्तों नमस्कार, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का रिजल्ट किस प्रकार से चेक कर सकते हैं तथा मार्कशीट प्रिंट किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों यह रिजल्ट चेक करने का बेहद ही आसान तरीका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली किसी भी प्रकार की जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और हमें यहाँ टाइप करना है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और हम इसे शॉर्ट में भी MCBU सर्च कर सकते हैं। चलिए हम इतना टाइप करते हैं और इसे सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आगे का पेज इस तरह दिखाई देगा। आप यहां सामने देख सकते हैं यहां पर लिखा है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड, हमें इसी पर क्लिक कर देना। आगे का पेज हमें इस तरह से दिखाई देगा। आप इसे थोड़ा नीचे खिसकाएंगे और आप यहां सामने देख सकते हैं यहां पर लिखा है क्लिक हेयर फॉर रिजल्ट। आप यहाँ सामने देख सकते हैं ये लिखा है, हमें इसी पर क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अगला पेज हमें इस तरह दिखाई देगा। आप सामने देख सकते हैं हमें इस तरह दिखाई देगा। आप यहां सामने देख सकते हैं यहां पर लिखा है टाइप। टाइप में हमें हम रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है। आप जो भी हो आप कर लें। यहां सीजन में हमें सीजन टाइप कर लेना है, आप किस सीजन से आपने किस सीजन में अपना एग्ज़ाम दिया था। और उसके बाद यहाँ हमें एग्ज़ाम टाइप कर लेना है। एग्जाम में आप जोन से ईयर में हो आप उसे टाइप कर लें। और यहाँ हमें रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल देना है। और आप यहाँ सामने नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सबमिट, हमें इस पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम इतनी जानकारी भरते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको अपनी मार्कशीट सामने दिख जाएगी। आप उसमें अपना रिजल्ट सामने देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली कोई सी भी जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।